हाय गाइस, तो मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम अस्कोवर है। हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से टाटा स्काई का सिग्नल जो है सेट कर पाएंगे। कभी कभी जो है मौसम परिवर्तन होने की वजह से आपके टीवी पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। आपके टाटा स्काई पर दिखाई देता है कि आप जो है सिग्नल सेट करें या फिर सेटअप बॉक्स बंद करें, ये जो है मौसम परिवर्तन होने की ही वजह से होता है। और कभी कभी तो ऐसे ही हो जाता है, तो आप ऐसी कंडीशन आती है तो आप जो है घबरा जाते हैं कि मेरे टीवी पर अचानक क्या हो गया, मैं सिग्नल कैसे सेट करूंगा। आप सोचते हैं कि टाटा स्काई के डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें या फिर कस्टमर केयर से संपर्क करें से जो है आपका सिग्नल सही हो पाए। तो आप जो है ऐसी कंडीशन ना आए, लेकिन आप स्वयं से ही ये सारा काम खुद से कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में इसकी सारी प्रोसेसिंग बताने वाला हूं। इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। टाटा स्काई सेटअप बॉक्स पर अब भी आपको सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके की, तो आप इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं कि टीवी पर जैसा बताया जा रहा है वैसे वैसे आप अपने सेटअप बॉक्स को करते हैं, जैसे प्लग वगैरह निकालना, केबल वगैरह निकालना और छतरी को थोड़ा सा आढ़ा टेढ़ा करना। ऐसा आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपको हिलाना, जैसा है वैसा ही आपको अपने सिस्टम पर लगे रहने देना है। बस आपको एक छोटी सी जो है सेटिंग को जनरेट करना है और आपका टाटा स्काई जो है ऑन हो जाएगा। अभी एक नया अपडेट आया है, इसी वजह से जो है अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे आपको ठीक करने के लिए बस आपको अपने रिमोट से ऑर्गेनाइजेशन का बटन को क्लिक कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको बहुत सारे मेनू के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला है व्यू रिमाइंडिंग, हेल्प, पैरेंटल कंट्रोल, यूजर सेटिंग और सिस्टम सेटिंग। तो आपको सिस्टम सेटिंग पर आकर ओके करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सिस्टम डिटेल, सीएडी मॉडल, पावर सर्वर सेटिंग, सिग्नल टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि सिग्नल आपको देखना है कि आपको सिग्नल कितना मिल रहा है, तो मैं सिंपली सिग्नल टेस्ट करूंगा। इसके बाद आप ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है सिग्नल टेस्ट में यहाँ पर मेरा सिग्नल लेवल कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसे कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पर देखिएगा बैक बटन है, बैक टू प्रीव्यू बटन, इस पर आप क्लिक कीजिए आप अपने रिमोट से। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है सिग्नल टेस्ट में यहाँ पर मेरा सिग्नल लेवल कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। तो आप इसे कैसे करना है, सिंपली आप यहाँ पर देखिएगा बैक बटन है, बैक टू प्रीव्यू बटन, इस पर आप क्लिक कीजिए आप अपने रिमोट से। तो देखिए यहाँ पर आपको वापस ही सिस्टम सेटिंग पर ले आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नल के जस्ट नीचे है मास्टर रिसेट, तो सिंपली आप इस पर आकर ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है दिस ऑप्शन विल बी रिस्टोर यूअर सेटअप बॉक्स डिफॉल्ट सेटिंग। आपकी जो है सेटअप बॉक्स की सेटिंग जो है डिफॉल्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो है नया सिस्टम आया है इसलिए अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने सिस्टम को अपडेट करूंगा, तो इसके लिए मुझे रिस्टोर करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यस गो टू ए हेल्ड, तो सिंपली आपको ओके कर देना है। प्लीज वेट द सेटअप बॉक्स विल बी रिस्टोर यूर मोमेंट। तो आपका जो है सेटअप बॉक्स रिस्टोर हो रहा है, यहाँ पर आपको कुछ समय इंतजार करना है। इंस्टॉलिंग प्लीज वेट, आपका सेटअप बॉक्स जो है इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो देखिए मेरा सेटअप बॉक्स जो है फाइनल तरीके से इंस्टॉलिंग हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलिंग सेटिंग, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। आप अपने मन पसंदीदा यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश या फिर तमिल वगैरह, जो भी भाषा आपको पसंद है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने रिमोट से सेलेक्ट बटन को प्रेस कीजिए, मतलब ओके बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको कह रहा है HD सेटिंग, तो यहाँ पर आप अपने रेगुलेशन कैसा रखना चाहते हैं HD लेवल पर, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है आप उसे ही रहने दीजिएगा, जैसे कि मेरा 1080 का है 50Hz, तो मैं सिंपली इसी को रहने देता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट बटन को क्लिक किया अपने रिमोट से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपसे कह रहा है सेटअप चेकिंग लिस्ट, तो यहाँ पर आपके सेटअप बॉक्स की जो भी चेकिंग्स होगी यहाँ पर वो खुद से ही चेक करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट बटन को आप अपने रिमोट से क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको LNB सेटिंग जनरेट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी सेटिंग जनरेट नहीं करना है, ना ही आपको इनपुट सर्किट की सेटिंग जनरेट करना है, ना ही आपको LNB टाइप सेट करना है। ये सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक जनरेटेड है, आपको सिंपली आप अपने रिमोट से ओके बटन प्रेस कीजिए या फिर आप सेलेक्ट बटन को क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एंट्री पॉइंट कह रहा है, यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट जो है सेलेक्ट करना है, चूज अ ट्रांसपोंडिंग आ कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोड वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इनमें से किसी को नहीं चुनना है, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है आपको उसी पर बाय डिफॉल्ट रहने देना है। जो नया कोड है GSAT K9 HOM, ये वाला जो कोड है अभी नया है, इसी वजह से जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपको सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। ये वाला कोड जो है आपको इसे ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपने रिमोट से सेलेक्ट या ओके बटन को क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सिग्नल लॉक, तो यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, जीरो लेवल पर है। और यहाँ पर देखिएगा सिग्नल स्ट्रांग और इस तरह आप देखेंगे सिग्नल क्वालिटी दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मेरा सिग्नल जो है बढ़ते जा रहा है, ये देखिए 100 पहुँच गया, क्वालिटी भी बढ़ गई। इसके बाद देखिएगा मेरा सिग्नल जो है परफेक्टली सही तरीके से, क्वालिटी भी अच्छी हो गई और इसकी जो है स्ट्रेंथ भी, ये भी जो है कंप्लीट हो गई है और मेरा टाटा स्काई जो है ओके हो गया है। इसके बाद मैं सेलेक्ट ओके बटन को क्लिक किया, तो देखिए मेरा जो है टाटा स्काई जो फाइनल तरीके से ऑन हो गया। और यहाँ पर देखिएगा टाटा स्काई का चैनल चल रहा है 100। इस तरीके से आप जो फाइनल जो आप टाटा स्काई के चैनल को चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई मूवी वगैरह लगाए तो आप वो भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं मूवी लगा लेता हूँ 310।
तो ये देखिए मैं स्टार गोल्ड लगाया हुआ हूँ, तो यहाँ पर चल रही है मूवी राजा बाबू। यहाँ से कोई दूसरा चैनल चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कौन सी मूवी चल रही है, रक्षक। ओके तो ये देखिए रक्षक चल रही है, और भी मूवी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। देखिएगा जी सिनेमा में क्या चल रहा है देख लेता हूँ। अरे बाप रे, धड़क धड़क धड़क। इस तरीके से आप जो है टाटा स्काई के सिग्नल को सेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से सिग्नल खुद से ही सेट कर पाएंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नया कनेक्शन चाहते हैं, वो कैसे खरीदें, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके आप अपनी पर्सनल जानकारी एंटर कर दीजिए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैं जो उस लिंक को फॉलो करूंगा, अपनी जानकारी दूंगा, तो क्या मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपके नंबर पर कॉल आएगा जिस नंबर पर आप अपने कॉन्टैक्ट जानकारी दी हुई है, और उस नंबर पर फोन आएगा, आप अपनी बेसिकली जानकारी दीजिएगा और आपके घर पर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, बाकायदा आपके घर पर टाटा स्काई का नया कनेक्शन लगाकर जाएगा, सेट टॉप बॉक्स सेट करके जाएगा, और आप उसे कैश ऑन पेमेंट कर सकते हैं जो भी उसका रेट होगा। आई होप आपको ये सारा प्रोसेसिंग समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हम इस वीडियो को समर्थन कीजिएगा लाइक करके और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है टाटा स्काई से रिलेटेड, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछना, बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।